डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे डेयरी केमिस्ट्री चैप्टर 12 के अंदर दुग्ध रसायन में दूध के जो पोषक अवयव है उनका संक्षिप्त विवरण में आज बात करते हैं। नेक्स्ट पोषक अवयव है उसमें लैक्टोज, जिसे बोलते हैं दुग्धम। दुग्धम जो होता है लैक्टोज, दुग्धम उसी का दूसरा नाम है लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है वो दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध का जो मीठा है, दूध में जो मीठापन है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण ही होता है। लैक्टोज क्या होती है? द्विवी शर्करा होती है। लैक्टोज कैसी शर्करा होती है? द्विवी शर्करा होती है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। अब द्विवी शर्करा का मतलब जो लैक्टोज है वो किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। ग्लूकोज दूसरा क्या है? गैलेक्टोज। ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के दोनों अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं, जो एक क्या होती है? द्विवी शर्करा होती है। दूध के अंदर ये किस रूप में पाई जाती है? घुलनशील अवस्था के रूप में पाई जाती है, यानी कि ऊर्जा का। लैक्टोज भी क्या है? एक अच्छा सोर्स होता है, साधन होता है। और 1 ग्राम लैक्टोज से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम लैक्टोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह शर्करा की अपेक्षा लगभग 1.1/4 गुना मीठी होती है। शर्करा की अपेक्षा लगभग कितना होती है? 1/4 गुना मीठी होती है। अब गाय का जो दूध होता है उसमें लैक्टोज की जो मात्रा है वो पाई जाती है 4.9% पाई जाती है। और जो भैंस का जो दूध है उसमें 5.48% पाई जाती है। और मानव की जो दूध में जो लैक्टोज की जो मात्रा है वो 6.98% पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखें, लैक्टोज क्या होता है? यह दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है कौन? लैक्टोज। दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज के कारण होता है। दूध का जो मीठापन है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज क्या होती है? द्विवी शर्करा होती है। लैक्टोज एक द्विवी शर्करा होती है। लैक्टोज क्या होती है? द्विवी शर्करा होती है। द्विवी शर्करा का मतलब यहां से लैक्टोज जो है ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, यानी कि ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है वो आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण कर लेगी? लैक्टोज का। दूध में यह घुलनशील अवस्था के रूप में पाई जाती है। लैक्टोज जो होते लैक्टोज दूध में घुलनशील अवस्था के रूप में पाई जाती है। लैक्टोज जो होती है वो दूध में किस अवस्था के रूप में पाई जाती है? घुलनशील अवस्था के रूप में पाई जाती है। 1 ग्राम लैक्टोज से 1 ग्राम लैक्टोज से 4.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 1 ग्राम लैक्टोज से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लैक्टोज भी ऊर्जा का एक अच्छा साधन है। लैक्टोज ऊर्जा का एक अच्छा साधन है।
लैक्टोज क्या है? ऊर्जा का एक अच्छा साधन है। गाय का जो दूध है गाय का जो दूध होता है उसमें जो लैक्टोज की जो मात्रा है वो 4.9% पाई जाती है। गाय के दूध में लैक्टोज की जो मात्रा वो कितनी पाई जाती है? 4.9%। भैंस के दूध में 5.48% और मानव के जो दूध में 6.98% लैक्टोज पाई जाती है। लैक्टोज पाई जाती है। तो अब ये लैक्टोज जो है, पूछ ले गाय के दूध में लैक्टोज की जो मात्रा कितनी पाई जाती है? 4.9%। भैंस के दूध में 5.48% और मानव के दूध में कितना पाया जाता है? 6.98% लैक्टोज पाई जाती है। इस लैक्टोज का जो निर्माण है वो कैसे होता है? लैक्टोज का निर्माण, यहाँ से जो लैक्टोज का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 और दूसरा भी C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो अणुसूत्र है वो समान होता है, लेकिन इनकी जो संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी कि एक अणु को किसका है? ग्लूकोज का, दूसरा किसका है? गैलेक्टोज का। ये आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? यहाँ से C12H22O11+H, यानी कि ये क्या बना लेते हैं? यहाँ से लैक्टोज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा? लैक्टोज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? C12H22O11 होता। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका दुग्धम लैक्टोज। तो क्लियर है यहाँ से कि लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। दूध का जो मीठापन है वो किसके कारण आता है? लैक्टोज के कारण आता है। लैक्टोज जो है वो कैसी शर्करा होती है? द्वि शर्करा होती है। द्वि शर्करा का मतलब कैसे बनता है? लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जो अणु है वो आपस में मिल जाएंगे, किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ से लैक्टोज का। अब लैक्टोज जो होती है वो दूध में किस अवस्था के रूप में पाई जाती है? घुलनशील अवस्था के रूप में पाई जाती है। 1 ग्राम लैक्टोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.0। लैक्टोज ऊर्जा का क्या है? एक अच्छा साधन है। अब पूछ ले गाय के दूध में जो लैक्टोज की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 4.9%। भैंस के दूध में कितनी पाई जाती है? 5.48% और मानव का जो दूध है उसमें कितनी पाई जाती है? 6.98% लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। अब लैक्टोज का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है? यहाँ से ग्लूकोज और दूसरा क्या है? गैलेक्टोज, आपस में मिलकर यहाँ से किसका निर्माण कर लेते हैं? लैक्टोज का निर्माण कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।